हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निकिता। आई एम बैक। और मैंने आपको जैसे कि कहा था कि मैं मेरे हेयर टेक्सचर्स की मतलब रूटीन का आपको शेयर करूँगी कि मैंने कैसे इनको इम्प्रूव किया है। वैसे तो मेरे हेयर्स काफ़ी रफ़ हैं, अभी भी हैं, बट है ना, मैंने कुछ काफ़ी सारे वीडियोस में काफ़ी सारे ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे अपन सब ने है ना सारे हेयर ऑयल, सारे मास्क सब ट्राई किए, मैंने भी किए हैं। काफ़ी हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा, पूछो मत, लास्ट ईयर तो इतना ज़्यादा स्टक हो गया था कि हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा था। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ की मैंने, शैम्पू वगैरह भी काफ़ी मंगाए, बट कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ। फिर हाँ, एक वीडियो ने मेरे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था, जो यूट्यूब पे ही किसी चैनल की है, दीदी का मैं बता देती हूँ, ग्लैमअप कपल करके एक पेज है दीदी का। उस वीडियो का जो मैंने एक प्रोसेस था वो फॉलो किया था, हेयर ऑयल, शैम्पू और उसके बाद है ना सीरम, जो मतलब कि दीदी ने बताया था, मैंने अपने अकॉर्डिंग यूज़ करा। वो जो चीज़ थी वो मेरे पे काफ़ी इफ़ेक्टिव रही। मैं आपका उसका लिंक वीडियो के नीचे भी शेयर कर दूँगी, आप जाके दीदी की वीडियो देख लेना कि उन्होंने जो बताया था वो जो शैम्पू वो ऑयल, उससे क्या है मेरे बाल थोड़े झड़ने कम हो गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे टूट गए थे बीच में, बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, वो थोड़ा सा कम हो गया। और मैंने मास्क वगैरह बीच में बंद कर दिए थे फिर उस टाइम पे, और वो हेयर ऑयल जो मैंने उन्होंने बताया वो ही मैंने हेयर ऑयल लगाया, उससे मेरा मतलब जो हेयर्स थे वो थोड़े से जो रफनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। तो मेरे को ऐसे लगा ठीक है, मैं लास्ट दिसंबर से वही चीज़ मतलब वही हेयर ऑयल की जो मिक्स करके अपन बनाते हैं वही, और शैम्पू भी वो यूज़ करी। मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसा हेयर ऑयल बनेगा वो, पर आप उनकी वीडियो में भी जाके देख लेना क्योंकि वो ओरिजिनल है। मैं तो सिर्फ उनका जो मेरे पे इफेक्टिव रहा है वो बता रही हूँ अपन ऐसे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो हेयर ऑयल कैसे बनेगा और वो कौन सा शैम्पू है और वो कौन सा जो सीरम था जो मैंने यूज़ करा है उसके बाद में। तो मैं आपको शैम्पू और वो सीरम तो बता देती हूँ, फिर हेयर ऑयल जो है वो मेरे को बैक कैमरे से शूट करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को किसी को बुलाना पड़ेगा, वो ही मतलब पीछे से शूट कर सकता है। तो मैं पहले ये तो कर लेती हूँ, फिर अपन ऑयल का बाद में बता दूँगी। मैंने ये देखो, दीदी ने नाइले का शैम्पू बताया था, ये नायका से मंगाया था, ये मुझे यहाँ पर मिला ही नहीं था। मैं जयपुर में रहती हूँ तो मेरे को यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी शॉप्स पे पूछा पता कि मुझे नहीं मिला था ये मेरे आसपास के एरिया में। मैंने फिर ये नायका से मंगाया, ये काफ़ी अच्छा था, मतलब मेरी ड्राइनेस को काफ़ी इसने दूर किया। इसी के और भी आते हैं शैम्पू, मैं सोच रही हूँ भी एक सॉफ्टनेस वाला वो मंगाऊँ, जिससे हो सकता है मेरे बालों का टेक्स्चर थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, रफनेस थोड़ी कम दिखे। और मैंने ये लिवोन का सीरम, मैंने तो ये लिवोन का यूज़ किया था हेयर वॉश के बाद में, मैंने जैसे दो तीन बूंदे ली और इसको यूज़ करा था। हेयर ऑयल अब कौन सा है वो चलो अपन बैक कैमरे से शूट करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं हेयर ऑयल बता रही हूँ दीदी ने कैसे बताया था। दीदी ने है ना ये डाबर आमला की 2 स्पून बताई थी। मैं दीदी ने तो ये बोला था कि आप और कोई हेयर जो आपकी इच्छा हो आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो कर सकते हो। मैंने जैसे कि है ना ऑलिव ऑयल यूज़ करा था और एक ना कोकोनट भी यूज़ करा था, पर वो इफेक्टिव नहीं आया जो इस ऑयल को मिक्स करने से आया, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी, मैंने करके देखा एक दो ऑयल को चेंज करके कि मैं जो रेगुलर ऑयल है वो यूज़ दूसरा करूँ, पर नहीं। तो 2 टेबल स्पून ये और